ऐसी कहानियां जो बर्फ को सुनाओगे तो वो रोने लगेगी। 1986 में एक औरत किचन में एक्सरसाइज कर रही थी, तभी अचानक लाइट चली गई और एक डरावनी आवाज आने लगी। वो दौड़कर अपने बच्चों से लिपट गई। उसने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसे एलियन जैसी अजीब चीजें दिखी और उनके दरवाजे को कोई पीटने लगा। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और तभी उसे अपने हस्बैंड की कार की आवाज आई। लाइट भी वापस आ गई और सारी आवाजें भी आना बंद हो गई। पर उसके हस्बैंड ने कहा कि उसे कोई एलियन नहीं दिखा, तुम समंदर में तैर रहे हो और तभी पानी में से कोई चीज तुम्हें टक्कर मारती है, वो एक शार्क है। थोड़ी देर बाद तुम्हारा बोट टूट जाता है, तो क्या तुम्हें पूरी ताकत से उसकी नाक पर घूसा मारना चाहिए या फिर कम ताकत से बिना रुके उसकी नाक पर मारते रहना चाहिए या फिर उसे कसके दबा लेना चाहिए? जो लोग शार्क को दबाएंगे वो उसे ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाएंगे। उसे पूरी ताकत से मारोगे तो जल्दी थक जाओगे। सबसे अच्छा तरीका उसे बार बार कम ताकत से मारना। तो दोस्तों का घर बिल्कुल आजू बाजू था, पर एक दिन जब लड़की घर आई तो उसने देखा कि लाइट बंद है। उसे लगा बल्ब टूट गया और उसने सीढ़ियों की तरफ चलना शुरू कर दिया, पर तभी उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। लड़की वहां से तुरंत भागकर पीछे के रास्ते से ऊपर गई और पुलिस को बुलाया। जब तक पुलिस आई तब तक वो आदमी वहां से भाग चुका था। दरअसल उसी ने लाइट निकाल दी थी और उस लड़की को किडनैप करने के लिए वही उसका इंतजार कर रहा था।